हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में WCC3 के फुल वर्जन पर बात होने वाली है और कौन कौन से WCC3 में न्यू फीचर आ सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या ये WCC3 फुल वर्जन में आने के बाद 1 GB या 2 GB में रैंक करेगा और ये कितनी साइज का होगा, ये सब आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दिया, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं आपको तुरंत ही मिल जाए। दोस्तों, कल मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया था जिसमें जो है न्यू कमेंट्री के बारे में बताया गया था, और उसी वेबसाइट पर नीचे गेम के साइज के बारे में बताया गया है। और क्या है वो गेम का साइज, तो सबसे पहले आपको एक प्रूफ दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये रहा वो प्रूफ जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो देखिए, इसमें लिखा है WCC3 विल बी ओवर 1 GB। तो देखिए, ये गेम 1 GB के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अभी ये फुल वर्जन आया नहीं है और फुल वर्जन में बहुत से जो है न्यू एनिमेशन और न्यू कटसीन और न्यू फीचर्स आएंगे, तो 1 GB के ऊपर तो ये गेम हो ही जाएगा। देखिए, अभी 700 MB का गेम है और अभी तो बहुत से फीचर अनलॉक करना ही बाकी है, जैसे कि वर्ल्ड टूर और बहुत सी चीजें, एशेज क्रिकेट और टेस्ट मैच क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट, ये सब अभी अनलॉक करना बाकी है। तो ये गेम 1 GB के ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं क्या ये गेम WCC3 1 GB या 2 GB रैम वाले फोन में रन करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों, 1 GB या 2 GB रैम वाले किसी भी फोन में ये गेम रन नहीं करेगा, क्योंकि ये साइज इसका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाने वाला है, क्योंकि 1 GB भी नहीं, 1 GB से ज्यादा इसका साइज होगा। तो ये देखिए, बहुत मुश्किल से रन करेगा, और अगर रन कर भी गया तो ये बहुत ज्यादा फंसेगा और ये आप लोगों को खेलने में मजा भी नहीं आएगा। तो बेकार इसको मतलब रन नहीं करेगा, ये बिल्कुल साफ बात है। और उसके लिए आपको नया डिवाइस या फिर 3 GB फोन तो कम से कम होना ही चाहिए इसके लिए खेलने के लिए। तो ये थोड़ी सी खराब बात, मतलब बैड न्यूज है, बैड न्यूज तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो है ये इतना बढ़िया गेम है तो साइज इतनी बड़ी होने वाली थी। तो जिसके पास भी 1 GB या 2 GB रैम है तो उनके लिए थोड़ी सी निराशाजनक बात है कि वो ये गेम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बट दोस्तों, आप लोगों के लिए कोई निराशाजनक बात नहीं है, क्योंकि WCC2 भी बहुत अच्छा गेम है, तो आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं WCC3 के फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, WCC3 में न्यू फुल वर्जन आने के बाद बहुत से फीचर्स ऐड हो जाएंगे, जैसे कि आपको एक मैंने इंटरव्यू में बताया, क्या इनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें इन्होंने बताया था 2 वीक्स के अंदर गेम को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो उसी में एक आगे ये भी बताया गया था कि 1000 से ज़्यादा इसमें एनिमेशन ऐड करे गए। तो देखिए, 1000 प्लस एनिमेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं, उसी इंटरव्यू में बताया गया था, मैंने आपको खुद बता रहा हूँ। 1000 से ऊपर एनिमेशन, तो आप लोग सोचिए कितना मज़ा आने वाला है गेम खेलने के लिए। तो तभी मुझे लगता है कि थोड़ा लेट हो रहा है, तो पर लेट होने कोई बात नहीं है, 2 वीक्स के अंदर बताया है, तो 2 वीक्स के अंदर बहुत जल्दी बस होने वाले हैं, थोड़ा सा और वेट कर लिए दोस्तों। तो और उसके बाद और फीचर्स की बात करी जाए तो और फीचर्स में देखिए, प्लेयर इंजरी बहुत मतलब मुश्किल है, पर हाँ मुझे लगता है कि यहाँ आ सकता है। और उसके बाद कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि जो है बैट आप लोगों के जो सारे जितने टूर्नामेंट्स हैं अनलॉक हो जाएंगे, बैटिंग राइवल तो खैर अभी अनलॉक ही है, और उसके बाद जितने भी टूर्नामेंट्स और जो भी हैं वर्ल्ड टूर, हाँ जी हाँ वर्ल्ड टूर भी हो सकता है अनलॉक, और वर्ल्ड टूर में आपको कुछ एनिमेशन देख सकते हैं, जैसे कि फ्लाइट वाला जो ऐसे मतलब प्लेन से ले जाते हैं, मतलब ले जाते हैं, बस अराइवल का फीचर, प्लेन अराइवल, और भी कुछ थोड़े बहुत फीचर्स देख सकते हैं। तो वर्ल्ड टूर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें का। और बात करी जाए WCC3 में वुमेन्स क्रिकेट की, तो वुमेन्स क्रिकेट के लिए तो सभी एक्साइटेड है, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और दोस्तों, वुमेन कमेंट्री, जी हाँ दोस्तों, वुमेन कमेंट्री के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और मैंने थंबनेल भी आज देखिए लगाया है वुमेन कमेंटेटर का, तो आप लोग बताइए आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं। और हाँ, IPL का भी अपडेट आने वाला है, IPL वाला आने वाला, तो उसका भी अपडेट आएगा, तो उस अपडेट में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बता दूँगा। देखिए, न्यू IPL जर्सी आ सकती है, क्योंकि जो है अभी आप लोगों को पता चल मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि मुंबई की जर्सी चेंज हुई, और भी जिसकी चेंज हुई मुझे पता नहीं, पर हाँ मुंबई का पता हो। और स्क्वाड भी देखिए फिक्स करे जा सकते हैं, जैसे कि अब इस बार जो है लसिथ मलिंगा नहीं खेल रहे हैं, और अपनी जो इसमें है सुरेश रैना नहीं खेल रहे हैं CSK में, और भी मतलब 2-4 प्लेयर जो हैं नहीं खेल रहे इस बार, तो इस बार स्क्वाड भी फिक्स करा जा सकता है। और मतलब और भी कुछ और फीचर्स भी आ सकते हैं IPL रिलेटेड, तो ये छोटा मोटा नहीं बहुत ही बड़ा अपडेट है, और फुल वर्जन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दिया, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं आपको तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा अपनी नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, भदमा की जय हो, बाय बाय दोस्तों। We'll be right back.